हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में अपन केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्ट टू में अपन जो भी कॉन्सेप्ट्स थे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। टोटल पांच फॉर्मूलाज देखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। पूरी दुनिया में किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का वही पांच फॉर्मूला होता है, उसी को आपको स्ट्राइक करना है कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने एक स्पेशल केस वाला फॉर्मूला बताया था, उसका प्रॉपर्टीज बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बताया था। सिमिलरली मैंने आपको राइट ट्रायंगल का भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको यूज में आने वाली है। वैसे हर एक कॉन्सेप्ट पे का पूरा डिटेल में मैंने ज्योमेट्री के सेशन में लिया हूँ पूरे प्रूफ के साथ। चूंकि ये मेंसुरेशन है तो अभी हम लोग को केवल मेंसुरेशन पार्ट पे ध्यान देना है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है पार्ट वन और पार्ट टू देख ले, तभी पार्ट थ्री पे आप मूव करेंगे, तभी आपको समझ में सारी चीजें जो है बेसिक चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्वेश्चन लेने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फ्यू पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। पहला पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स के थ्रू फीडबैक आता है कि सर आप अपने सेशंस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया कीजिए। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि चाहे ज्योमेट्री का सेशन हो या कोई भी सेशन हो, सारे सेशन में एसएससी सीजीएल या एसएससी जो और भी एग्जाम कंडक्ट करती है, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही दिया गया है। जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो बात अलग है कि मैं लिखता नहीं हूँ कि ए वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2013 में आया था, इस तरह से मैं लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन पे, बट सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछा रहता है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री का क्वेश्चंस रहता है, कुछ क्वेश्चन आपको कैट का इजी लेवल का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो टायर टू में प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस किया जाए वो सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं कि एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है नहीं लिया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है और जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस है उसको मैं इंक्लूड जरूर करता हूँ, बट मैं लिखता नहीं हूँ कि एसएससी सीजीएल किस ईयर में पूछा गया था इस तरह से। दूसरा पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है कि पॉज दिस वीडियो, चूंकि अपन ऑलरेडी पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए आप पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप अपने अप्रोच, आंसर तो सही है कि आंसर मिलाना ही है, बट आप अपना अप्रोच और मेरे अप्रोच को देखिए। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होंगे कि कुछ आप थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस फॉलो किए हों, मैं कुछ क्वेश्चन का थोड़ा सा इजीली वाले प्रोसेस से सॉल्व किया हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आप मेरे से भी अच्छे अप्रोच से सॉल्व किए हों, आप इजीली सॉल्व किए हों, ये भी हो सकता है। तो ज़रूर आप अप्रोच को भी मैच कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए। सीधा आप वीडियोस को देखना मत शुरू कर दीजिए, हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप अपना अप्रोच और आंसर मेरे अप्रोच और आंसर के साथ मैच कीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तो हम लोग के सेशन का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज 3:4, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन है बट ए एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस, सपोज इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में देखें, हालांकि फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए फिगर के साथ समझा रहा हूँ। इसमें आपको दिया गया है बेस और ऑल्टीट्यूड का आपको रेशियो दिया गया है 3:4 का, मतलब कि ए बेस 3x ले लीजिए तो ए जो ऑल्टीट्यूड है ए डी ये आपका 4x आ जाएगा। अब आप एरिया निकालिए क्योंकि एरिया दिया गया है। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस भी आपको पता है और हाइट यानी कि ऑल्टीट्यूड कहने का मतलब कि आपको हाइट भी पता है। अब देखिए 1/2 बेस कितना है 3x, आपको ऑल्टीट्यूड या हाइट कितना है 4x, एरिया कितना के बराबर दिया गया 1176 के बराबर। ओके ये कितना आएगा आपको 6x² इज इक्वल टू 1176, 6 से इसको कैंसिल कीजिए, 6 × 6 = 5, 6 × 54, 3 × 6 = 36, मतलब कि x² = 196 आ गया। तो x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 14 आ गया।
ओके, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड आपको निकालना है। ऑल्टीट्यूड कितना लिए थे आपने, 4x लिया था। 4x कहने का मतलब 4 × 14, 56 सेंटीमीटर विल बी द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी आपको एसएससी प्री 2000 में पूछा गया है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज ए इज टू बी। सपोज ए ट्रायंगल आपको ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल आपको पी क्यू आर दिया गया है, इसका एरिया ए इज टू बी में, तो ए इज टू बी ले लेते हैं। ओके, एंड द ऑल्टीट्यूड इज एम इज टू एन। ऑल्टीट्यूड आपको ए वाला हाइट जो है ये आपको एम इज टू एन में दिया गया है। चलिए तो इसको अभी एम एन ही ले लेते हैं। अब आपको बोला गया है देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस विल बी व्हाट। अब आपको एरिया दिया गया है, दोनों का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ वन बटा एरिया ऑफ टू क्या हो जाएगा आपका, 1/2 × बेस कितना है। पहले केस में आप देखिए आपको बेस कितना दिया गया है, बी सी, तो चलिए बेस को बी वन ले लेते हैं। पहले ट्रायंगल का हाइट क्या दिया गया है, पहले ट्रायंगल का हाइट का रेशियो आपको एम बाई एन दिया गया है, तो एम लिए हैं। नीचे का ट्रायंगल 1/2, बेस निकालना है, बी टू इंटू एन हो जाएगा। ये एरिया कितना, ए बाई बी दिया गया है, एरिया 1/2, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बी वन बाई बी टू इंटू एम बाई एन आया। अब आपका बेस का रेशियो निकालना है, यानी कि बी वन बाई बी टू क्या आ जाएगा, ए एन बाई बी एम आ जाएगा। आपसे पूछा गया है वही बेस का रेशियो, तो ए एन बाई बी वन यानी कि बी वन इज टू बी टू कितना हो जाएगा आपको, ए एन इज टू बी एम आ जाएगा। ए एन ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, जस्ट आपको राइट अप्रोच में फॉलो करना है, फिगर भी ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, वन साइड इज 11 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको दिया गया है इस तरह का ट्राइंगल जिसमें पेरीमीटर दिया गया है 32 सेंटीमीटर, एक साइड 11, सपोज इसको 11 ले लेते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस साइड को ए और इस साइड को बी ले लेते हैं। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन का लेंथ। बाउंड्री लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 32 दिया गया है, यानी कि ए प्लस बी आपको 21 दिया गया है। सिमिलरली क्वेश्चन में आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि ए माइनस बी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहां से ए और बी आप इजिली निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, ए का जो वैल्यू आएगा वो आपको 13 आ जाएगा, बी का जो वैल्यू आएगा वो आपको 8 आ जाएगा। चलिए तो ए का वैल्यू 13 आ गया, बी का वैल्यू 8 आ गया। अब देखिए ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिए गए हैं, अब एरिया निकालना आपको बहुत इजी हो जाएगा। हेरॉन्स फार्मूला लगाइए, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो हेरॉन्स फार्मूला लगाइए। ए सबसे पहले निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 + 8 + 11/2, ये कितना 32/2, 16 आ गया। अब आप हेरॉन्स फार्मूला, एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 16 × s − a, 16 − 13 3, 16 − 11 5, 16 − 8 8 आ गया। इस तरह से जब आप एरिया निकालेंगे तो 16 का 4 तो बाहर आ गया, ओके, 8 का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 बाहर आएगा, तो चलिए इसको 2 ले लिए बाहर, 1 2 बाहर ले लिए, बच क्या गया अंदर में, 3, 5 और 2 बच गया आपको। तो अंदर में आपको कितना आ गया, 3 × 15 = 30। तो इस तरह से जो आपका एरिया आएगा, 8√30 cm² विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 8√30, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, ए बी सी जे ट्राइंगल विथ बेस ए बी। ओके, ए बी सी जे ट्राइंगल, अब आपको बेस ए वाला बेस लेना है, बी सी बेस लेना है। डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी इज द बेस, सॉरी, तो इसको ए बी को बेस लेना है आपको, तो आप इसे कीजिए ए बी और इसको सी लीजिए। चलिए ए बी सी जे ट्राइंगल विथ बेस ए बी, अब ए बी आपका बेस हो गया,
डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी यानी कि ए बेस का लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए एंड डी बी इज इक्वल टू 3। डी इस तरह से लेना है यहाँ पे कि डी बी जो है आपको 3 सेंटीमीटर आ जाए। ए 3 सेंटीमीटर हुआ तो आपका ए डी का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ए डी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी सी, ए डी सी, चलिए इसको ए डी सी को मिला देते हैं इस तरह से। ओके, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एरिया ऑफ, अब देखिए बेस पता है, पूरे ट्रायंगल का भी बेस पता है, ट्रायंगल ए डी सी का भी बेस पता है, तो आपको हाइट आ जाएगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक परपेंडिकुलर आप ऐसे डालिए एच हाइट का, तो जो आप सी ई डालें, सी ई जो आपका सी ई है वो हाइट है, वो हाइट दोनों ट्रायंगल का हाइट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए डी सी का भी हाइट होगा और ट्रायंगल ए बी सी का भी वो हाइट होगा, क्योंकि बेस पे बेस तो सेम ही है। ए डी इतना बेस बोलिए या पूरा ए बी बेस बोलिए, हाइट तो आपका एच ही आने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया है, तो दोनों ट्रायंगल के केस में हाइट क्या हो गया, एच हो गया। अब देखिए दोनों का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालना है बटा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट तो आपने एच लिया है, सिमिलरली हाफ इंटू बेस कितना है बड़े ट्रायंगल का 5 और हाइट एच आया है, एच एच कैंसिल आउट, 1/2 1/2 कैंसिल आउट। इस तरह से जो आपका एरिया रेशियो आया, एरिया रेशियो कितना आ गया 2/5 यानी कि 2:5 के रेशियो में इसका एरिया होगा। और ये जो हाइट डालने वाली चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको स्ट्राइक नहीं कर पाएगा कि हाइट कैसे डालें। जैसे कि एक क्वेश्चन आप इस तरह से देख लीजिए, ए वाला ट्रायंगल आपको दिया गया है, तो इसमें हाइट क्या होगा, हाइट आपको अपोजिट वर्टेक्स से बेस का बेस पे डालिए, बेस चाहे वो एक्सटेंड करना क्यों ना पड़े, ए वाला चीज जो होगा ये आपका हाइट होगा, इस तरह से आपको सोचना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इन द रेशियो ऑफ 2:3 and 5, 2:3:4, 2:3:4 यानी कि जो साइड्स दिए गए हैं 2x, 3x और 4x दिए गए हैं। ओके, और आगे क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 18, पेरीमीटर 18 दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन का लेंथ, 2x + 3x + 4x का लेंथ आपको 18 दिया गया है, 4, 3, 7, 2, 9, 9x = 18, x का वैल्यू आपको 2 आ गया। ओके, तो इस लेंथ साइड का लेंथ 4 आ गया, इस साइड का लेंथ 6 आ गया, इस साइड का लेंथ आपको 8 आ गया। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 4, 6, 8, तीन साइड्स दिए गए हैं, एरिया आप हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, एस क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 8/2, 8, 6, 14, 4, 18/2, यानी कि जो एस का वैल्यू आया सेमी पेरीमीटर आपको 9 आ जाएगा। ओके, अब आप एरिया निकालिए, एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस यानी कि 9 × s - a, 9 - 4 = 5, 9 - 6 = 3, 9 - 8 = 1, तो जो आपका एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 का 1 3 तो बाहर आ गया, अंदर में बच गया √15, तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 3√15। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ये भी आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 ए भी आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड corresponding to the largest side of the triangle whose sides are 41, 28 and 15. चलिए इस साइड को 15 लेते हैं, 28 लेते हैं और A 41 दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि find the length of the altitude corresponding to the largest side. 15, 28 और 41 में largest side क्या है, 41. तो इसके corresponding जो आपका altitude है, h आपको निकालना है। h आप कैसे निकालेंगे, देखिए
एक तो आपको तीन साइड्स दिए गए हैं, तो वहां से आप हेरोंस फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। दूसरा आपको बेस और हाइट दिया गया है, इससे भी एरिया निकल जाएगा। दोनों एरिया को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, वहां से एच का वैल्यू आ जाएगा। पहले केस में आप एरिया निकालिए, एरिया आप सेमी पेरीमीटर लीजिए हेरोंस फॉर्मूला के लिए, एस क्या आ जाएगा 15 + 28 + 41/2, 41 15 56 56 और 28 आपको 84 आ जाएगा। 84 84/2 आपको 42 आ जाएगा। यहाँ से यदि आप एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, 42 × 42 − 15 27, 42 − 28 14, 42 − 41 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 42 का एक 14 और 14 का एक 14, 14 एक बाहर आ गया, यहाँ 3 बच गया, 42 में 3 बच गया, और 27 27 × 3 81, 81 को बाहर आएगा तो आपको 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका एरिया आएगा 14 × 126 आ गया। ओके, और दूसरा एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों को कंपेयर कीजिए। 1/2 बेस आपको 41, हाइट कितना है एच है, और टोटल एरिया कितना आया है 126, तो एच कितना आ जाएगा 252/41 सेंटीमीटर। ऑप्शन को देखिए, 252/41, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको राइट अप्रोच फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। अब चूंकि ये आपको आपको दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स आपको ए होंगे, पेरीमीटर तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाउंड्री लाइन का लेंथ, a + a + a 3a हो जाएगा। अब आपको एरिया कितना है, एरिया किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 × साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर जो दिया गया है √3 टाइम्स ऑफ एरिया दिया गया है। ओके, पेरीमीटर आपको 3a आया है, √3 टाइम्स, एरिया क्या है आपको √3/4 × साइड का स्क्वायर, एक ए से एक ए कट गया, √3 × √3 से 3 कट गया, यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा वो आपको 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर बोलिए या 4 यूनिट बोलिए, इस तरह से जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड आपको क्या आ जाएगा, 4 यूनिट का, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आपको कंपेयर करना था, आपको राइट डाउन जो क्वेश्चन करना था जो आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए, पेरीमीटर 3a, एरिया √3/4 × a स्क्वायर का √3 टाइम्स, a का वैल्यू आपको इजीली 4 यूनिट आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 8th को देखते हैं। एग्जाम्पल 8th क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 18√5 सेंटीमीटर² एंड द रेशियो बिटवीन इट्स इक्वल साइड एंड थर्ड साइड इज 3:4, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। ये आपको CHSL में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब आपको एरिया दिया गया है 18√5 सेंटीमीटर² का, और जो इक्वल साइड है और जो थर्ड साइड है उसके बीच का जो रेशियो दिया गया है 3:4 का, यानी कि ए भी 3x, ए भी 3x, तो ए वाला साइड आपका 4x का आ जाएगा। ओके, अब आपको एरिया दिया गया है तो एरिया को कंपेयर करना है, एरिया कंपेयर करने के लिए यहाँ से आपको एक हाइट निकालना होगा, तभी आप 1/2 × बेस × हाइट से आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए BC का टोटल लेंथ आपको 4x है, तो यदि AD आपने एक परपेंडिकुलर डाला, ऑल्टीट्यूड डाला, तो आपको पता है कि इक्वल साइड से आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन होता है वो आपका सेम लाइन, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड सेम होता है। तो इसका मतलब कि ए जो ऑल्टीट्यूड है इस दोनों साइड्स को 2 बराबर भागों में बांटेगा, टोटल 4x है तो ए आपका 2x हो जाएगा। अब आप जो ए हाइट दिया गया है, हाइट कैसे निकाल सकते हैं, AD आपको पता है, चूंकि ट्रायंगल ADC आपको एक राइट ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा √3 hypotenuse² ए आपका 9x² - 4x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5x आ जाएगा।
अब आप एरिया को कंपेयर कीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना दिया गया है 4x, इंटू हाइट कितना दिया गया है, रूट 5x दिया गया है। यही चीज़ एरिया जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के 18√5 दिया गया है, 18√5। यहाँ पे मैंने आपको स्पेशल फार्मूला याद करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया में आप इजीली निकाल सकते हैं, उसके लिए बिना मतलब का जो आपको फार्मूला है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। √5 √5 कैंसिल आउट हो गया, ओके। 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से आप 18 को काटेंगे आपको 9 टाइम्स आ जाएगा, ओके। यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको 9 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड, थर्ड साइड का लेंथ क्या है, 4x है। थर्ड साइड जो आपने लिया था वो आपका 4x लिया था, तो x का वैल्यू 3 आया, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो आपका आएगा वो BC का लेंथ यानी कि थर्ड साइड का लेंथ आएगा। सो ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, या इसको 13 कर देते हैं, सो ऑप्शन B विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि एरिया निकालने के लिए वही 5 फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से डेटा दिया गया है उसी को यूज करना है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो दिया गया है आपको 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एंड द एंगल बिटवीन द टू इक्वल साइड्स इज 150 डिग्री। जो टू इक्वल साइड्स है, चूंकि ए बी सी जो ट्रायंगल दिया गया है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, तो इसको ए ले लेते हैं, तो ए भी, ए दोनों साइड्स आप मान लीजिए कि बराबर साइड्स दिया गया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बिटवीन द टू इक्वल साइड्स इज 150 डिग्री। यानी कि ए साइड, हालांकि फिगर में 150 नहीं है, बट मान लीजिए कि ये चीज आपको 150 डिग्री का एंगल है दोनों इक्वल साइड्स के बीच में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स, आपको इक्वल साइड्स का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एक फार्मूला मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिकल के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ ए बी साइन सी। क्यों, वो फार्मूला कब आपको अप्लाई करना था, जब दो साइड्स दिया गया हो और उसके बीच का एंगल दिया गया हो। यहाँ पे देखिए, दो साइड्स ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया है, और दोनों ए बी और ए सी के बीच का एंगल दिया गया है, तो यहाँ से आप एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू दोनों साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू ए और उसके बीच का जो एंगल है यानी कि साइन 150 डिग्री, ओके। एरिया आपको 27 दिया गया है, हाफ इंटू ए स्क्वायर साइन जो 150 डिग्री होता है, चूंकि साइन 150 को आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा आपको साइन थीटा होता है, तो ये आपको साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 आ जाएगा, ओके। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27 × 4, तो ए का वैल्यू 27 में से 9 लेंगे, तो ए जो आपका ए आएगा 3 आ जाएगा, इंटू 2 अंदर में आपको √3 बच गया, तो इस तरह से जो आपका इक्वल साइड ए आया 6√3 सेंटीमीटर का आपको जो इक्वल साइड का लेंथ फाइंड आउट करना था आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6√3 सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, इजी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या लगाना है जल्दी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ओके, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी। डी और ई आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और बी सी साइड पे रिस्पेक्टिवली। गिवेन दैट ए डी बाई ए डी इज टू डी बी जो है आपको 2:3 दिया गया है, ए डी इज टू डी बी, ए डी इज टू डी बी आपको 2:3 दिया गया है। इसका मतलब ए डी का लेंथ को आप 2x ले लीजिए और डी बी के लेंथ को आप 3x ले लीजिए, ओके। एंड बी ई इज टू ई सी जो है 4:3 है, बी ई इज टू ई सी आपको दिया गया है 4:3 का, यानी कि
यहाँ पे आप 4x और 3x नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो को आपने x के टर्म में, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको दो रेशियो दिया गया हो, कभी भी एक वेरिएबल के साथ उस रेशियो को एसोसिएट मत कीजिए। पहले को आपने लिया है 2x और 3x, तो दूसरे रेशियो के केस में आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, 2y यानी कि 4y और 3y लीजिए। यहाँ पे आप x नहीं ले सकते, ये मैथमेटिक्स के अगेंस्ट है, मैथमेटिक्स के रूल के अगेंस्ट है कि जब आपको दो रेशियो दिया गया हो तो एक ही वेरिएबल से दोनों रेशियो को आप नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका 4y आ गया, ये आपका 3y आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDE यानी कि ए वाला ट्रायंगल का एरिया, ओके, और ट्रायंगल ABC यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए ये ट्रायंगल BDC में आप देखिए 3x और 4y आपको दिया गया, दो साइड्स दिए गए हैं, ओके। सिमिलरली आप बड़े ट्रायंगल ट्रायंगल ABC में यदि देखें, तो यहाँ भी AB का लेंथ दिया गया है, भले वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है, और BC का भी लेंथ दिया गया है, दो साइड्स का लेंथ दिया गया है, क्यों ना हम इस एंगल को थीटा ले लें, क्यों ना हम इस एंगल को थीटा ले ले। आप देखिए ट्रायंगल BDC के लिए भी दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC के लिए भी दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दिया गया है। अब आप एरिया रेशियो ले लीजिए, एरिया आपको लेना है किसका, ट्रायंगल BDC का, और दूसरा जो एरिया लेना है वो आपको किसका लेना है, ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल BDC का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, आपको 4y ले रहे हैं, देखिए बेस नहीं ले रहे, हाफ इंटू पहला साइड आप यदि 4y ले रहे हैं, दूसरा साइड 3x हो जाएगा, इंटू हाफ AB साइन x जो होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे आपको साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, हाफ इंटू बड़ा साइड क्या है, 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा, इंटू AB साइड क्या आएगा, 2x प्लस 3x, आपको कितना आ जाएगा, 5x। अगेन यहाँ पे भी साइन थीटा है, अब देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट, 1/2 1/2 कैंसिल आउट, y और y कैंसिल आउट, x और x कैंसिल आउट, यानी कि जो रेशियो आया है यहाँ पे 4:3/7:5, 4×3=12, 7×5=35, यानी कि जो इसका रेशियो आएगा, एरिया रेशियो आएगा, वो आपको कितना आ जाएगा, एरिया रेशियो आएगा आपको 12:35 का एरिया रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। जब आप इस तरह के क्वेश्चन, अब आप देख लिए सॉल्यूशन, जस्ट फिगर ड्रॉ करेंगे और वहीं से आप इसका आंसर मार देंगे, कैसे, 3 और 4 3 और 4 को गुना करेंगे और टोटल जो ए साइड है 5 और ये साइड है 7, इसको गुना करेंगे, यानी कि 12/35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बट आपको राइट अप्रोच को इसके लिए फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में और भी इससे टफर लेवल, ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन था, नेक्स्ट सेशन में मेंस लेवल या उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं ट्रायंगल्स के लिए एरिया पे कितने, एक या दो या तीन और वीडियोज बनते हैं, जब तक सारे कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे मैं क्वाड्रिलेटरल पे मूव नहीं करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, यदि ये वीडियोज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा होगा कि आपको मेरे वीडियोज सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वहां से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट्स यदि हुआ हो किसी भी क्वेश्चन का, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या आपका कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ के प्रति, क्योंकि मैं आपके
अपने अनुसार से मैं आपको वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी बना रहा है उसको अपनी कमी का पता नहीं है। यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ों को सुधारा जा सकता है, तो एज ए फीडबैक आप ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं जो भी आपका फीडबैक हो। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपको किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट्स हो, आप वहां आकर के आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। वैसे उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वहां से इजीली क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे तो उन लोगों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।